सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A70 के बारे में। तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि सैमसंग बहुत जल्द अपने A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि सैमसंग का A70। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग का A70 लॉन्च होगा, ये बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, 19 अप्रैल को ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है जहाँ तक मुझे पता चली है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A70 के बारे में। इसे कुछ रिसेंटली में सर्टिफिकेशन मिले हैं और इसका जो स्पेस है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं अगर आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A70 को वाईफाई सर्टिफिकेशन मिल चुका है और इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेस भी निकल के सामने आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाईफाई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड का 9 मिलने वाला है जो कि सैमसंग के 1 ईयर के साथ आएगा। ये तो एक बहुत ही बढ़िया वाली बात है। और बात करते हैं बाकी स्पेस की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 6.7 इंच का, जी हाँ 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। यहाँ पर कोई आपको पंच होल इन्फिनिटी ओ टाइप का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा जिसको सैमसंग कहता है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा इन्फिनिटी यू शेप में, तो एक बहुत ही बढ़िया वाली बात है। बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बैक साइड में मिलेगा ट्रिपल कैमरा का सेटअप जो कि प्रीवियस जो TPU केस निकल के सामने आई थी तो उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बैक साइड आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा का सेटअप, इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 4400 mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करने वाला है और यूएसबी टाइप सी पोर्ट का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और जो बात करते हैं जो मेन चीज़ है प्रोसेसर की, सैमसंग इसमें कौन सा चिपसेट वो लोग यूज़ करेंगे, तो चिपसेट के बारे में कोई भी डिटेल पता नहीं है कि इसमें आपको कौन सा चिपसेट सैमसंग यूज़ करने वाला है। लेकिन इस फोन की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर निकल के सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि जो सैमसंग का A40 है इस फोन की प्राइसिंग 40,000 के आसपास रह सकता है। मतलब 40,000 आपको सैमसंग के A40 के लिए देने, A70 के लिए देने होंगे। तो इस फोन का मतलब चिपसेट अगर आप लोग देखें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 या फिर 712 अगर सैमसंग देना चाहे तो दे सकता है। अब देखते हैं कि सैमसंग यहाँ पर कौन सा चिपसेट वो लोग यूज़ करते हैं या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 का आपको चिपसेट यहाँ पर सैमसंग दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली में कुछ रिपोर्ट आई थी कि सैमसंग ए सीरीज में एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 के चिपसेट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो देखने वाली बात होती है कि सैमसंग वो चिपसेट कौन से स्मार्टफोन में देता है। अगर 40,000 देता है तो एटलीस्ट हमको फ्लेक्सिबल चिपसेट यहाँ पर सैमसंग को देना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आप 40,000 थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।